करना पा ले और इस जीवन में ही उस जीवित जाकर गुरु से एकाकार होकर के अपने आप को पूर्णता से पहुंचा दे जहां पूर्ण गया पूर्ण निगम पूर्णा पूर्ण मुक्ति को कहा गया है। इसलिए आज का संदेश आज का प्रवचन अपने आप में एक चिंतन है एक विचारधारा है। मैंने आपको पहली बार आवाज दी है पहली बार चिंतन दिए पहली बार आपसे कुछ कहा है आज्ञा दी है पहली बार तो मैं कहा कि हमारे दान से जीवन का बहुत बड़े कार्य हो पाएंगे जिस आग को भी महापात करना सुलभ रहा है ये देश इसको बुझा सकेंगे हम बुझा सकेंगे तुम्हारा दान बुझा सकेगा क्योंकि हम अपन समय जाकर के भी बाकी से लगाएंगे लगाएंगे। मैं तो कहता हूं तुम्हें अगर तुम्हें मैं कश्मीर में जाकर तीन दिनों में जाकर लगाऊ तुम्हारे साथ करूँ देखो कौन सी गोली चलती है देख सकते हैं जहां कृष्ण खड़े हैं वहां आग नहीं हो सकती जहां मैं खड़ा हूं तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती इस बात का बहुत करते हैं क्योंकि मैं कुछ घमंड नहीं कर रहा हूं न मेरी जी में घमंड है न मेरी जी में अहंकार है न मुझे यज्ञ की कामना है न मुझे फूलों की मालाओं की जरूरत है न मुझे किसी दान देने की जरूरत है दान कमाना चाहिए मैं चाहता हूं कि आवेदन और तुम लोगों का जीवन जुड़ सके फिर वो एक परिवार बन सके। इसलिए मैं बार बार कहा है कि हमारा ये कसौटी है इस बात को फिर मैंने आवाज दी है आज्ञा दी है उस आगे को तुम्हें पालन करना है दीक्षाओं के माध्यम से भी जिससे कि तुम्हारा वापिस से जीवन में प्राप्त कर सकते। अगर मैंने कहा कि आज एक ब्रह्मांड में जिंदगी का ले रहा हूं तो अगर ब्रह्मांड को उतारू अब उतना समय नहीं है कि मैं एक दो दूस दूर फिर सकूं बस आप दीक्षों के माध्यम से सुनते हो दौड़ कर देंगे आप क्योंकि मैं प्रचार कर दूंगा एक बार में दो बार में ज्यादा उठेगा तीन बार में ज्यादा उठेगा चार बार उठेगा उसे ज्यादा सही उसे ज्यादा क्या पूर्ण हो जाएगा। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। मैं आपको यहां से आयोजकों को भी आपको भी और शिष्यों को भी क्योंकि आप मेरे बेटे हैं मेरे पुत्र हैं मेरे आदमी है मेरे प्राण है मेरे कमनिया है मेरे खून है मेरे एक एक बूंद है आप अपने आप अलग मांग रहे मैं अपने एक एक बूंद को समझाऊँ कि मेरे शरीर में जितना बूंद की खून बह रही है उस आप अगर आप नहीं है तो शरीर से मुझे कुछ भी नहीं फिर देख मुझे मैं उससे देख सकूंगा जिस आपके मन में थोड़ा भी फर्ट आ गया उसमें मेरा शरीर अपना आंदोलन दे देगा मुझे उठ नहीं है शरीर की जब तक आप शरीर में मोहब्बत है तब तक शरीर है जब तक आप मेरा क्या मांग रहे हैं तब तक मैं आपके बीच में खड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बोलूं आप मना कर दें ऐसा संभव नहीं है विश्वास भरे दिन में भी नहीं कर सकता। अगर एक बात केवल 20 दिन पहले यहाँ के दो लड़के आए उनका कि आपको लुधियाना में सिर लगाना गुरु जी मेरा ठीक है और 15 दिन में बस कहा और उन्होंने इस काम को पूरा पार लगा दिया आपको सामने की बात केवल 15 दिन की बात मैं उनको उदास करके अपनी जाएंगे क्योंकि उन्होंने व्यय किया है और आज का युग अगर भौतिकता का युग है तो उस युग में जी रहे। मैंने कहा कि जिस समय की जैसी समस्या होगी उसका पार पाना भी हमारे लिए जरूरी है। कष्ट के युग की समस्या दूसरी थी गांव के समय की समस्या दूसरी थी आज समस्या दूसरी मैं आपको आज पास नहीं होगा कुछ भी तभी मैं दीक्षा दूंगा आपको चिंता मत करिए घबराने की जरूरत नहीं है आपकी जितनी समस्या होगी विशेष दीक्षा मैं आपको दूंगा और इस बार टुकड़े टुकड़े में नहीं दूंगा एक बार में उस समस्या का समाधान कर ही दूंगा गारंटी के साथ कर दूंगा कुछ रखूंगा मैं अगर मैं आपको दक्षिण दीक्षा दूंगा तो फिर पूर्णता के साथ दूंगा दो सौ तीन सौ चार सौ नहीं दूंगा क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है। अगर आपने स्वास्थ्य की दीक्षा दूंगा जो भी समस्या की दीक्षा दूंगा दूंगा और पूर्णता के साथ एक बार में भी दूंगा पहली बार मिले तो आपके चेहरे पर फिर मैं प्रसन्नता अपने आप देख लूंगा ऐसा करूंगा क्योंकि इतना मुझे ऋण चाहता हूँ कि आप खुद लाखों करोड़ों दे सके मंदिर बना सके गिरजा घर बना सके लोगों को दे सके अनुदान खेल सके जीवन पूर्णता पा सके अपने आप पर विजय बन सके और शंकराचार्य शब्दों में हम परमात्मा अपना नाम हो सके मैं आपको जीवन मंदिर बना सके उस पूर्ण ब्रह्मांड को चिन्ह करके उस जगह पहुंचा देना चाहता हूँ जहाँ एक गुरु का स्थापन होता है जहाँ सूर्य बनता है तो जीवनों में मैं बहुत कुछ जो कि निश्चय लेकर के लिए आया भावना भी यही रहेगी क्योंकि अगर मुझे वापिस आपने पूरी देखने मजबूर किया आपके बीच में तो एक बार पूर्णता नहीं देना चाहता हूं
ওদের কি উদ্রে পৌঁছাবে না চাতাও যখন আমরা বেলো পুরানো ইতিহাস বুঝিয়া মেয়ে আপনি প্রশ্ন কো মে আপ সমাপ্ত করতা হুয়া মে আপ দীক্ষা ক্রম প্রারম্ভ করুঙ্গা বিশেষ দীক্ষা ক্রম প্রারম্ভ করুঙ্গা মে আপ ছোড়ুঙ্গা 5 মিনিট কে লিয়ে और अदे में ब्रह्मांड स्थापन उस प्रयोग को संपन्न कराऊंगा, दोनों प्रयोग आज संपन्न कराऊंगा, क्योंकि उस ब्रह्मांड स्थापन प्रयोग भी आपके लिए प्रारंभिक हिस्सा जरूरी है। पहली बार 1800 रोज से पैदा हो जाए ये क्रिया हम करेंगे और उस गोपनीय दीक्षा जो कि अपने आप में एक तेजस्वी तारीख दीक्षा है, राष्ट्रीय ने स्वयं मरीजी को दीक्षा दी है, यम ने स्वयं नचिकेता को दीक्षा दी है, या सान्निध्य ने स्वयं कृष्ण को दीक्षा दी है, उस तेजस्वी दीक्षा को भी उस वीर मानने वाले व्यक्ति को स्वयं इस प्रकार की दीक्षा देगा। मैं एक बार फिर आपको हरे से आशीर्वाद देता हुआ आप कल्याण की कामना करता हुआ चाहता हूँ कि शिविर आपके लिए पूर्ण तारीख बने, ऐसे ना होने से आशीर्वाद देता हूँ। जिसकी दिव्य तपश्चर्या के तेज से आप अपने आप को जोड़ सकें, वह दीक्षा विधान प्राप्त होने जा रहा है। आज के इस शिविर के प्रारंभिक क्षणों में ही आपको याद होगा, पहले आपका आह्वान करते थे आपको याद दिलाया था, यह शिविर हर हालत में अद्वितीय शिविर होने जा रहा है। भगवत पुष्पाद गुरुदेव जी की ऐसी ही मंशा है। मैंने आपको कहा था कि वह जो कुमकुम पत्रिका आपको भेजी गई है उसमें 24 शब्दों का जो पूज्य गुरुदेव का आह्वान है, वह हमारे गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं और इस तरह उनका भी विशेष मंतव्य है। और तभी उन्होंने यह आह्वान किया कि आपको सब काम छोड़ करके भी मेरे पास आना ही है। आज इस प्रवचन से आपके समक्ष वह बात 100% तय हो गई, स्पष्ट हो गई। बहुत पूछताछ हो रहे हो हमें क्या देना चाहते हैं, हमारे ये निश्चित ही वह क्षण है जब हम उनसे जुड़ करके अपने दिव्य सौभाग्य का निर्माण करेंगे। हम पर किया है हम उससे सवाल उतरेंगे, फोन उतर कहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। आपका विश्वास हर हाथ में रखा जाएगा, रक्त की हर बूंद हमारी यह संकल्प कर रही है। आज श्री मंदिर के प्रांगण में इस दिव्य शिविरों में और आपके इस दिव्य चरणों में जो दीक्षा दे रहे हैं, गुरु दीक्षा जिसको कामी दीक्षा करें या गुरु दीक्षा करें, ये जुड़ने की क्रिया करें या एक दूसरे को समा जाने की क्रिया करें, तो कोई शब्द नाम दे सकते हैं। ये कामी दीक्षा का मतलब नहीं कि आप पहली बार मंडी का काम, कामी दीक्षा का मतलब है कि मैं आपके साथ पूर्णता के साथ जुड़ रहा हूं, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा मन, मेरी चेतना आपके साथ जुड़ रही है उन मंत्रों के माध्यम से। और जब मंत्र है तो मंत्रों के माध्यम से तो कुछ भी कार्य संभव है। देवताओं को तो बुला ही सकते हैं, तुम्हें मैंने बुलाया, जोड़ भी सकते हैं, अपने हृदय में तुम्हें स्थापन कर भी सकते हैं। खैरा दिलाल जी आप वाइजराज एक सेकंड के लिए मैंने एक मंत्र बोला, खैरा दिलाल जी इधर आज आदि से खैरा दिलाल जी आए कि आए वो मुंडो का है कि अगर मैं खैरा दिलाल जी का मंत्र बोलूंगा खैरा दिलाल जी आए, और मैं लक्ष्मी का मंत्र बोलूंगा लक्ष्मी आएगी, विष्णु का मंत्र बोलूंगा विष्णु आएगी।
तुम कैसे कर सकते हो मंत्रों में ताकत नहीं है, कैसे कर सकते हो? मैं तो इस्लाम के कारण समझाया, मगर इस बात का प्रमाण है कि अगर मैं बिल्कुल शुद्धता के साथ सही नाम से उच्चारण करूंगा तो आएंगे। जिस शुद्धता के साथ में आपको उन देवताओं का लक्ष्मी का आह्वान करके आपको दीक्षा दूंगा तो लक्ष्मी आपके हृदय में स्थापन होगी होगी, क्योंकि मैं बुला रहा हूं उनको मंत्रों के माध्यम से। ये मंत्रों के माध्यम से किससे आए? जो दो शब्दों को जोड़ने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। मंत्र को भगवान के घर से बन के नहीं आए, यह भी एक मंत्र है। क्या लाल जी इधर आई विचार मंत्र बना, मैं एक लौकी को दान देकर समझा रहा है और ठीक उसी बताते लक्ष्मी का मंत्र है। यदि मेरे इस मंत्र से वो यहाँ आ जाते हैं, वो भी अपने आप में यहाँ के सभ्य और प्रतिष्ठित नागरिक है, मेरे गोदाम देकर समझाया कि मंत्र के माध्यम से देवता कैसे नहीं आ सकते। आते हैं और आएंगे तो फिर मैं उनको दूर से आगे रहता कि आप मेरे लिए पानी पिलाइए, उन्हें पानी जरूर पिला, क्योंकि मेरे हृदय में कोई स्वास्थ्य नहीं था। ठीक उसी प्रकार से मैं दीक्षा दूंगा, देवताओं का आह्वान करूंगा आपके लिए विशेष दीक्षा दीजिए, तो देवता आएंगे ही आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि मन पर अपने आपको नियंत्रण नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूं कि मंत्रों के माध्यम से तुमको मुझे साथ जोड़ रहा हूं, मैं उतना ही सत्य बोल रहा हूं जितना गृहराज जी ने आप बुला के जोड़ रहा हूं, बात को कह रहा हूं उतना ही सत्य ही मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। जब विशेष दीक्षा दे रहा हूं कि इस बार इनके जीवन की समस्या तो दूर कर ही देना है, देवता को अगर कह रहा हूं तो करेंगे, क्योंकि देवता तो दयालु है। मंत्र जीवन में उन्होंने काम यही किया, अगर मेरे पास 1000 रुपए है और आप मुझे 500 मांगेंगे तो मैं आपको 500 देने, मुझे एक क्षण भी संकोच नहीं होगा। और लक्ष्य पास 1000 रुपए है और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा मेरे शिष्य को आप देवता से ऋण से मुक्ति दिलाए, क्योंकि व्यापार को बढ़ाए, तो उनके लिए तो कोई असंभव काम है ही नहीं। जी मैं अश्विनी कुमार को कहूंगा कि आकर के इनसे रोग मुक्ति करें, तो उनके पास धनमंत्री को कोई न्यूनता ही नहीं, आपको रोग मुक्ति नहीं करते। मंत्र सही होना चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए, प्राण चेतना सही होनी चाहिए। इससे पहले मैं उस प्राण दीक्षा को आपको दे रहा हूं और उस गुरु मंत्र को दे रहा हूं, उसके बाद में अगली बात मैं आपको समझाऊंगा। जी बैठ जाए आप।